जय माता दी। मैं बताने जा रही हूँ कि आज से 25 जून से शुक्ल पक्ष है और आषाढ़ मास है, तो आज से दोस्तों गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। तो आप सबको गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा के पूजन का पर्व है। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये नवरात्र तंत्र और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी शुभदायक हैं जो तंत्र से जुड़े बहुत आसान उपाय करके जल्दी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें तंत्र शास्त्र में बेहद खास माना गया है। यदि इनमें से एक भी समान नवरात्र के दौरान शुभ मुहूर्त में अपने घर में, अपने हाउस में, अपने फ्लैट्स में लाकर रख लिया जाए तो हर इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही वस्तुओं के बारे में। दोस्तों शुभ नवरात्र शुरू हो चुके हैं जो गुप्त नवरात्र होते हैं। हमारे सनातन धर्म में चार नवरात्र आते हैं, चैत्र मास के नवरात्र जो बीत चुके हैं, और एक आते हैं आषाढ़ मास के जो चल रहे हैं, और एक कुवार मास के आते हैं, फिर माघ मास के आते हैं। तो दोस्तों ये सारे नवरात्र हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो हमें हमेशा अच्छे ही फल मिले, हमें हमेशा ही शुभ फल मिले, और हमारे बच्चे हमेशा तरक्की करते रहें। तो आप ज़रूर इन नवरात्रों में उपाय ज़रूर करिए। ब्रह्म कमल केल और आंवला। घर के आंगन में नवरात्र के दौरान ब्रह्म कमल केल यानी बिना फल वाला केले का पौधा और आंवले का पौधा लगाएं। इससे घर में, फ्लैट्स में, हाउस में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है। आप सब दोस्त चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा विराजित रहे, धन हमेशा आता रहे, आपके बटुए, आपके पर्स हमेशा भरे रहें, तो ज़रूर नवरात्रों में आप ये उपाय करिए। चक्रीय शालिग्राम। इस शालिग्राम में चक्र के समान आकृतियाँ दिखाई देती हैं। विष्णु स्वरूप इस शालिग्राम की उपासना करके उसे नवरात्र में धन स्थान पर रख देने से कभी धन की कमी नहीं होती। अगर आप इस शालिग्राम को अपने घर में तिजोरी में रख लें तो आपके पास हमेशा ही धन दौलत भरी रहेगी। इंद्रजाल या एक समुद्री पौधा है, इसमें बहुत चमत्कारी गुण होते हैं। जिस घर में, फ्लैट्स में, हाउस में नवरात्र के दौरान इंद्रजाल लाया जाता है वहाँ धनलक्ष्मी अपना बसेरा बना लेती हैं। कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर पीले रंग की कौड़ियाँ रख लें। इस कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप जब सब चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी रहे, आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसका शुभ फल मिले, तो जो मैंने उपाय बताए हैं ज़रूर कीजिए। दोस्तों अपने फैमिली को ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अगर आपको लाभकारी लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देवी माँ आप सब की इच्छाएं पूरी करें। जो आप मन में अपनी इच्छाएं रखते हैं तो ज़रूर आपकी इच्छाएं पूरी हों। धन्यवाद।